हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस की सीरीज में आज हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो के बारे में, जिसकी इन्वेंशन के बाद दिल्ली एनसीआर के अंदर ट्रेवलिंग जो है काफी हद तक इजी हो चुकी है एज कम्पेयर टू वो टाइम जब दिल्ली मेट्रो नहीं हुआ करती थी। और आई होप सो आप में से बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिली होगी दिल्ली मेट्रो के अंदर ट्रेवल करने की। सो आज की इस वीडियो में हम इसी फैमिलियर टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि दिल्ली मेट्रो कब स्टार्ट हुई, कौन इसके पीछे चीफ आर्किटेक्ट थे और अब तक का इसकी जो जर्नी है दिल्ली मेट्रो की वो कैसी रही है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप में से देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि दिल्ली इज द फर्स्ट सिटी जहां पर मेट्रो सबसे पहली बार आई है, पर देखिए बिल्कुल भी ट्रू फैक्ट नहीं है, क्योंकि कोलकाता इज द फर्स्ट सिटी जहां पर सबसे पहली बार मेट्रो आई थी, वो भी 1984 में। अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो देखिए ऑन 24th of December 2002 जो तब के प्रधानमंत्री थे मिस्टर वाजपेयी, उन्होंने इसको इनॉग्यूरेट किया था, इसके फर्स्ट स्ट्रेच को, जो कि शाहदरा और तीस हजारी के बीच में था, जो कि एट प्रेजेंट रेड लाइन के अंदर आता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूं कि दिल्ली मेट्रो जो है सबसे पहले नहीं आई थी, उससे पहले कोलकाता मेट्रो 1984 में आ चुकी थी। और ये 2002 के अंदर इसे तब के जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इसे इनॉग्यूरेट किया था। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगर इसके पीछे के चीफ आर्किटेक्ट की बात करें तो दिल्ली मेट्रो के पीछे के जो कि सबसे ज्यादा जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है तो वो देखिए ई श्रीधरन, जिनका नाम है, उन्हें मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए उन्हें बहुत हद तक एक तो दिल्ली मेट्रो के अंदर, क्योंकि अगर आप दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करें तो आपको उसका बहुत सारा स्ट्रेच जो है अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिलेगा। देखिए उस सबको बनाने के अंदर एक बहुत बड़ा एक वो चाहिए था, एक चीफ आर्किटेक्ट का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, तो उसको कैसे बनाया जाए, कितना कैसे इतना बड़ा एरिया कवर किया जाए। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा जिनका कंट्रीब्यूशन रहा वो मिस्टर ई श्रीधरन थे, और वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं दिल्ली मेट्रो के 1995 से लेके 2012 के बीच। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, और काफी सारी सिटीज में भी जो है इन्होंने मेट्रो को कंस्ट्रक्ट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। चलिए आगे बात करें अगर, तो दिल्ली मेट्रो देखिए बहुत ही जल्दी वर्ल्ड की सब तीसरी बड़ी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन जाएगा जब इसका फोर्थ फेज कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अभी रिसेंटली जिसको अप्रूवल भी दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके बाद जो है ये अप्रोक्सीमेटली 453.58 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, और ये थर्ड लार्जेस्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन जाएगी उसके बाद ही। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एट प्रेजेंट जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है वो है शंघाई के अंदर, जो कि 644 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। उसका बीजिंग मेट्रो है 599.44 किलोमीटर, और फोर्थ फेज के कंप्लीट होने के बाद दिल्ली मेट्रो जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रांजिट सिस्टम बन जाएगा। चलिए अगर आगे देखें इसके बारे में, तो देखिए एट प्रेजेंट अगर इसके रूट्स की बात करें तो कौन कौन से रूट्स को ये कवर करती है, और उसको लोगों को ताकि लोग आइडेंटिफाई कर पाए इसलिए नाम भी इसका अलग अलग दिया गया है, डिफरेंट लाइंस के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे रेड लाइन जो है वो दिलशाद गार्डन से लेके रिठाला तक का डिस्टेंस कवर करती है। अगर आपको इनमें से किसी भी बीच में स्टेशन पे जाना है तो आप इसमें रेड लाइन के अंदर आपको ट्रेवल करना होगा। इसके बाद अगर बात करें येलो लाइन की, जो कि समयपुर बादली से लेके हुड्डा सिटी सेंटर तक का डिस्टेंस कवर करती है। अब देखिए हुड्डा सिटी सेंटर जो है वो गुड़गांव के अंदर आता है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि दिल्ली एनसीआर के अंदर ट्रेवलिंग करना बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि जो दिल्ली मेट्रो है वो एनसीआर के भी, मतलब एनसीआर को भी टच कर रही है। जैसे हुड्डा सिटी सेंटर जो है वो गुड़गांव के अंदर आता है। फिर अगर हम ब्लू लाइन की बात करें, जो कि द्वारका सेक्टर 21 से लेके नोएडा सिटी सेंटर या वैशाली तक जाती है, तो देखिए नोएडा सिटी सेंटर या वैशाली जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, तो ये देखिए इसको उत्तर प्रदेश को भी टच कर रही है दिल्ली मेट्रो। इसके अलावा अगर हम ग्रीन लाइन की बात करें तो एट प्रेजेंट ये ब्रिगेडियर होशियार सिंह, जो कि जस्ट बहादुरगढ़ के पास है, जो कि हरियाणा के अंदर आता है, वहां से लेके इंदर लोक या कीर्ति नगर तक जाती है। तो ये आपको जिस भी रूट पे जाना है तो अकॉर्डिंगली, ताकि जो लोग है वो डिफ्रेंशिएट कर पाए मेट्रोज के बीच में, तो इसलिए हमको अलग अलग नाम दिया गया, जैसे रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए एक वायलेट लाइन है, जो कि कश्मीरी गेट से लेके राजा नहर सिंह तक का डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, इसके अलावा पिंक लाइन है, जो अभी रिसेंटली जिसे इनॉग्यूरेट भी किया गया है, ये मजलिस पार्क से लेके शिव विहार तक का इसमें डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिसेंटली जो एक और इनॉग्यूरेट की गई है वो है मजेंटा लाइन, जो कि जनकपुरी वेस्ट से लेके बोटैनिकल गार्डन,
तक का डिस्टेंस कवर करती है, और अगर आपको इसमें ट्रेवल करना है, इसके बीच में कोई ऐसा स्टेशन, तो आपको इसमें मैजेंटा लाइन में ट्रेवल करना होगा। इसके अलावा जो एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन है, जो देखिए सबसे इनसे जो सबसे अलग है, इसमें देखिए क्या है कि अगर आपको एयरपोर्ट में जाना है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, तो उसके लिए स्पेशली एक और अलग से लाइन बनाई गई है, वो है एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन, जो कि देखिए द्वारका सेक्टर 21 या न्यू दिल्ली से आप इसको बोर्ड कर सकते हो इस एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को, और ये आपको डायरेक्टली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छोड़ेगी। तो ये भी देखिए बहुत सारे लोग जो जिसको जिनको फ्लाइट्स बोर्ड करनी होती है, तो उनको ध्यान में रख के ही इस लाइन को बनाया गया। आगे चले अगर देखिए कैसे दिल्ली मेट्रो ने सिटीजन्स जो दिल्ली में रहते हैं या जो बाहर से भी आते हैं और दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, तो उनकी लाइफ कैसे उन्होंने चेंज की दिल्ली मेट्रो ने। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए आप सभी जानते हैं पोल्यूशन की प्रॉब्लम दिल्ली में बहुत ज्यादा है, तो दिल्ली मेट्रो के आने के बाद जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सोल्व हुई है। अब लोग अपना पर्सनल व्हीकल्स छोड़ के दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, इससे देखिए तो टाइम भी सेव होता है और मनी भी उनकी काफी हद तक सेव होती है। देखिए सबसे पहले तो पोल्यूशन का काफी हद तक कंट्रोल हुआ दिल्ली मेट्रो के आने से। इसके बाद लेस कम्यूटिंग टाइम, जैसे मैंने आपको बताया टाइम भी सेव होता है इससे दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करने पर, क्योंकि देखिए कोई जाम वगैरह ट्रैफिक जैम तो होता नहीं इसमें, तो इसलिए टाइम भी आपका इसमें सेव हो जाता है। कंफर्टेबल जर्नी है, आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत शॉर्टेस्ट रूट कवर करती है। अगर आप बस वगैरह के जाएं या कार अपनी पर्सनल व्हीकल पे जाएं, तो आपको देखिए बहुत ट्रैफिक जाम मिलेगा और बड़े बड़े रूट्स को कवर करना पड़ेगा। बट दिल्ली मेट्रो कहते हैं वो अंडरग्राउंड ट्रेवल करती है या ऊपर ब्रिज के ऊपर से जाती है, तो इसलिए आपका जो है टाइम भी सेव होता है और कंफर्टेबल जर्नी भी रहती है, बहुत जल्दी आप डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। इसके अलावा देखिए आपका मनी भी सेव करती है, क्योंकि अगर आप पर्सनल व्हीकल में ट्रेवल करें, देखिए आपका बहुत ज्यादा पेट्रोल का डीजल का खर्चा आता है, तो इसमें देखिए आपका पैसा भी बचेगा, ठीक है। इसके अलावा हेल्प इन रिड्यूसिंग कंजेशन ऑन रोड, कंजेशन यानी भीड़। देखिए अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में पहले बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होता था, अभी भी है, बट बहुत हद तक दिल्ली मेट्रो के आने के बाद ये प्रॉब्लम सोल्व हुई है। और इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे लोगों को मिली है जिसको चलाते हैं दिल्ली मेट्रो को, पूरा जो सिस्टम है इसका, तो उसके लिए बहुत सारे देखिए एम्प्लॉयज को रखना पड़ा, तो इससे लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिली एम्प्लॉयमेंट की दिल्ली मेट्रो के अंदर काम करने की। इसलिए बहुत हद तक जो है दिल्ली मेट्रो के आने के बाद लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हुई है जो खासकर दिल्ली में रहते हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए दिल्ली मेट्रो की जो सक्सेस है सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं, इसके अलावा और सिटीज तक भी देखिए ट्रेवल कर रही है, क्योंकि देखिए दिल्ली मेट्रो इज बीइंग सक्सेसफुल इन प्रिवेलिंग प्रोवाइडिंग अ हैसल फ्री एंड कंफर्टेबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही इजी और कंफर्टेबल जर्नी इसमें आपकी रहती है। और इसके अलावा देखिए दिल्ली के अलावा अगर मैं बात करूं कि दिल्ली से देखिए इंस्पायर होकर कौन कौन सी सिटीज ने अपनी वहां मेट्रो स्टार्ट करी है, तो देखिए वो बेंगलुरु है, गुड़गांव है, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, कोची, लखनऊ, हैदराबाद। इसके अलावा भी देखिए जो है 15 और सिटीज जो है वहां पर भी मेट्रो का काम जस्ट अब स्टार्ट होने वाला है। मैपिंग हो चुकी है कि कहाँ कहाँ या कौन कौन से डिस्टेंस वो कवर करेगी, बस अब स्टार्ट होना बाकी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जो बेंगलुरु, गुड़गांव, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, कोची, ठीक है, लखनऊ या हैदराबाद, यहाँ पर मेट्रो के ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी अगर ट्रेवल करते हैं इन सिटीज में तो आप मेट्रो में ट्रेवल कर सकते। आगे अगर बात करें तो देखिए 2011 के अंदर DMRC जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जो पूरी इसकी बॉडी है जो इसको चलाती है, उसको देखिए UN की तरफ से एक वो दिया गया था प्राइस, जो कि फर्स्ट रेल बेस्ड सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसे देखिए कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। कार्बन क्रेडिट्स क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि देखिए ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसको जो एमिट होती है उसको कम करने में जो है दिल्ली मेट्रो ने काफी हद तक कंट्रीब्यूट किया है, वो भी किसने उससे 6.3 लाख टन पर ईयर की उससे, देखिए जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए जो है DMRC को एक सर्टिफाइड किया था UN ने, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का पहला रेल बेस्ड सिस्टम है जो कि ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करने में जिसने कंट्रीब्यूट किया। और देखिए अगर मैं बात करूं तो देखिए दिल्ली मेट्रो ने अभी तक जो है पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए, चाहे वो क्लीनलीनेस की हम बात करें, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, या इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी देखिए बहुत कम अमाउंट में जो है आप डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर सकते हैं, तो देखिए क्लीनलीनेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सस्टेनेबिलिटी भी, देखिए बिल्कुल एक एक्यूरेट टाइम पे चलती है, कोई ऐसा नहीं है कि डिले रहता हो, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर चलती है, और आपको बहुत ही कम कॉस्ट में अगर आप पर्सनल व्हीकल्स में ट्रेवल करते हैं तो उसके कंपैरिजन में आपको बहुत ही कम अमाउंट में जो है यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं।
इन द एंड अगर हम बात करें तो देखिए, इस वीडियो के ओवर होने के बाद आप सभी को एक प्लेज लेना है कि चाहे आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेट्रो में, चाहे आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको जिस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो है क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखनी है। आपके पास कोई भी कूड़ा कचरा है तो आपको सिर्फ उसे डस्टबिन में ही डालना है, और अगर आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं पर डस्टबिन नहीं दिख रहा आसपास तो उसे आप वहां बैग में डाल के रख ले, और जहां पर भी डस्टबिन दिखे फिर तो उसे डस्टबिन में ही डाल दे। देखिए जैसे हम अपने पर्सनल व्हीकल्स को ध्यान रखते हैं, जैसे उसको मेंटेन करके रखते हैं, वैसे ही देखिए हमें पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी ख्याल रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर हो इन पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारी जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, जो कंजेशन की प्रॉब्लम है, वो सारी सोल्व हो सके। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई और डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन जिसके फैक्ट्स एंड फीचर्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। So thanks a lot friends for watching this video. Thanks a lot once again.